स्टूडेंट्स, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन अभी नहीं हुए हैं कोरोना करके, तो ये जो नोटिफिकेशन आई है ये 25/5/2021 को आई है। स्टूडेंट रीसेंट नोटिफिकेशन है कि हमारा कि कुछ चेंजेस किए हैं यूनिवर्सिटी ने सिलेबस के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये हम पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या चेंजेस हैं मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंजेस आया है कि यूजी और पीजी कोर्सेज के हैं जो फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टूडेंट्स यूजी एंड पीजी कोर्स ऑफ एफिलिएट डिग्री कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टेड इन जुलाई अगस्त 2021 को, जो होने वाले हैं जुलाई और अगस्त 2021 को, विद 50% सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर वन एंड 50% सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर सेकेंड। यानी कि 6 अगर एग्ज़ाम होने हैं वैसे एक सेमेस्टर के, तो क्या कर दिया गया है जुलाई अगस्त 2021 में दोनों सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी 50% यानी 3 सब्जेक्ट्स जो आप है फर्स्ट सेमेस्टर में से चूज़ कर सकते हो, और जो सेकेंड सेम है उसमें से भी 3 सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये स्टूडेंट के बेस पे होगा, स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं ये 3 सब्जेक्ट कोई भी, ये 3 सब्जेक्ट कोई भी। ठीक है, तो ये होगा, और इन 3 के बेस पे टोटल 6 का रिज़ल्ट बनाया जाएगा एवरेज करके, और इन 3 के बेस पे सेकंड सेमेस्टर का 6 का एवरेज करके बनाया जाएगा, आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स, और देखिए आगे क्या है। और सिमिलरली द एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ यू जी कोर्सेज ऑफ एफिलेटेड डिग्री कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल बी कंडक्टेड इन जुलाई अगस्त। यानी कि सेकेंड ईयर वालों के यू जी के भी क्या होंगे जुलाई 2021 में होंगे 50%, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो, और सेकेंड सेमेस्टर के भी 50%, यानी 6 हैं तो 3 उसके 3 उसके, और 3 के बेस पे ही एवरेज में अपन वो क्या लगाएंगे, हमारा मार्क्स, हमारे मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, और एक और स्टूडेंट ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस पे कि एक और नोटिफिकेशन क्या है कि 25% सिलेबस है ऑफ इवन सेमेस्टर ऑफ यूजी एंड पीजी कोर्सेज ऑफ एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी कमेंस थ्रू ऑनलाइन क्लासेस इन मई 2021 शैल बी रिड्यूस्ड कीपिंग अ व्यू ऑफ प्रिवेलिंग पैंडेमिक कंडीशन इन द स्टेट कंट्री। कि जो 25% जो सिलेबस है ना वो कम कर दिया गया, 25% सिलेबस काट दिया गया लास्ट का। यानी कि सपोज़ करो एक बुक के अंदर आपकी यूनिट 4 यूनिट हैं, ठीक है, तो जो फोर्थ यूनिट है लास्ट वाली उसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, वो आपने नहीं करानी, वो सिलेबस के अंदर आपने इंक्लूड नहीं करनी है, आपने स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स ही करनी है। ठीक है, तो 25% सिलेबस आपका काट दिया गया है। सपोज़ कीजिए, ये तो यूनिट की बात करी मैंने, क्योंकि यूजी के अंदर यूनिट नहीं होती, पीजी के अंदर यूनिट मिल जाती है। तो देखिए अगर यूजी की बात है तो सपोज़ कीजिए आपके बुक के अंदर 12 चैप्टर हैं, तो यानी कि 25% यानी 3 चैप्टर, ठीक है, तो लास्ट के 3 चैप्टर हम कट कर देंगे, लास्ट के 3 चैप्टर हम कट कर देंगे, और 1-9 जो चैप्टर होंगे वो हमारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। ये जो करा है ये नोटिफिकेशन में 25/5/2021 को ये नोटिफिकेशन आई थी, जिसके अंदर ये जो चेंजेस आए हैं, बहुत बड़ा बदलाव आया है स्टूडेंट्स ये हमारे कोर्सेज के जो भी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसे ध्यान से कर लीजिएगा कि क्या है, आपने कौन कौन से आपने जो आपको मतलब सही लगे, सुटेबल लगे, वो 3 कोई भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर लीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में से भी, सेकंड सेमेस्टर में से भी, ऐसे ही जो सेकंड ईयर के अंदर हैं वो थर्ड सेमेस्टर में से भी और फोर्थ सेमेस्टर में भी, जो उनको ईजी और सुटेबल लगते हैं वो ही 3 सब्जेक्ट्स चुन लीजिएगा जिनके वो क्वेश्चन जिनके वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और 25% तक ही मतलब 25% का आपका जो सिलेबस है वो कट कर दिया गया है, यानी कि आपको ओनली 75% सिलेबस को ही अब इस बारी कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हुई हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट।